हेलो स्टूडेंट्स, मेहता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो लेक्चर है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी का पेपर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर का नाम है कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और हमारा आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से आप पास होके प्रमोट होके बीकॉम फर्स्ट ईयर के क्लासेस ले रहे हैं। इसका मतलब जो ट्वेल्थ क्लास है वहाँ पे आपने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा कि शेयर क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, शेयर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या सोल ट्रेडर इशू नहीं कर सकता। शेयर केवल और केवल एक कंपनी इशू कर सकती है, और कंपनी शेयर जो इशू करती है तो कंपनी की जो पूरी कैपिटल होती है उसके जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे ही हम शेयर कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसे ही हम शेयर कहते हैं। और शेयर जो है वो देखिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कोई भी हो सकता है। शेयर हो सकता है इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज नोन एज शेयर। Two types of share. Number one, equity share. Number two, preference share. तो देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। शेयर मैंने बताया आपको, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है कैपिटल का उसे ही हम शेयर कहते हैं। और जो शेयर है वो टू टाइप्स का हो सकता है, इक्विटी शेयर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। अब इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर के अलग बेनिफिट हैं, और प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर के अलग बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, इन तीनों में बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है। तो देखिए, सोल ट्रेडर जैसा कि आप जानते हैं एक अकेला ओनर होता है, वही सारी कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है वो भी उस अकेले का ही होता है, और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी उस अकेले बंदे पर ही होती है। जो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो सब संभाल रहा होता है वो अकेला बंदा ही रेस्पॉन्सिबल होता है। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा उसके लिए भी वो अकेला बंदा ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ये है सोल ट्रेड। पार्टनरशिप फर्म में जैसा कि आप देखा, दो तीन चार पाँच पार्टनर्स मिलकर के किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स दो चार छः जो भी पार्टनर्स हैं मिलकर जो भी बिजनेस करते हैं उसे हम फर्म कहते हैं। और फर्म में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड कर सकते हैं हम पार्टनर्स के बीच में। जो अकाउंटिंग है वो भी पार्टनर्स मिलकर संभाल सकते हैं। कोई हो सकता है फाइनेंसिंग देख ले, कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देख ले, कोई परचेज डिपार्टमेंट देख ले, और कोई सेल्स डिपार्टमेंट को संभाल ले। जो डिसीजन मेकिंग है वो चारों मिलकर या पाँचों मिलकर जो भी पार्टनर्स हैं वो मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो और अब पार्टनरशिप बिजनेस में जो सोल ट्रेड है उससे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारी जो कंपनी है, कंपनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन और सेल करती है। कंपनी के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है वो हैवी कैपिटल चाहिए होती है, बहुत सारी कैपिटल चाहिए होती है, और उतनी कैपिटल दो चार छः बंदे नहीं लगा सकते। इसीलिए हम पार्टनरशिप फर्म की जगह एक कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं,
और कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो किसी एक ही दो चार लोगों का नहीं होता, बल्कि जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, अगर 10,000 शेयर होल्डर है तो 10,000 लोगों ने पैसा लगाया, 20,000 शेयर होल्डर है तो 20,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उन पैसे से कंपनी चलती है। और वो जो शेयर है वो हम बता रहे हैं किस तरीके से इशू होते हैं। शेयर दो टाइप के होंगे, एक इक्विटी शेयर होगा, एक प्रेफरेंस शेयर होगा। इक्विटी शेयर की खास बात ये होती है कि इन पे रेट ऑफ डिविडेंड जो होती है उसका पता नहीं होता है, इन पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती है। रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। और इस पे रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होगी, पहले से पता होगी। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। तो इक्विटी शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होगी, प्रेफरेंस शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होगी। यहां पे इक्विटी शेयर जो होते हैं उनके पास हर मामलों में वोटिंग पावर होगी, और इनके पास वोटिंग पावर केवल इनसे रिलेटेड मामलों में ही होगी। इक्विटी शेयर के पास हर मामले में वोटिंग पावर होगी, जबकि प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो केवल इनसे रिलेटेड मामलों में ही वोटिंग पावर रखते हैं। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब डिविडेंड और कैपिटल रिटर्न करेगी कंपनी, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर को, इनको प्रेफरेंस होती है इक्विटी पर, नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस होती है इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड और कैपिटल पाने की। जब भी कंपनी को समाप्त किया जाएगा, जब भी कंपनी का समापन होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल पाने का राइट होगा। इसी तरह जब भी इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा तो इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पाने का राइट प्रेफरेंस शेयर को होगा। और इक्विटी शेयर के केस में इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर के बाद में, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर के बाद में डिविडेंड और कैपिटल पाने का अधिकार होगा। अब रेट ऑफ डिविडेंड की बात आती है। जैसे मान लीजिए 5,000 प्रेफरेंस शेयर है 9%, 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई 5,00,000 की। अब कंपनी को प्रॉफिट हो गया 2,00,000 रुपए का, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है 2,00,000 रुपए का। अब 2,00,000 में से मान लीजिए कंपनी ने 20% रिजर्व रख लिया, कंपनी की ये पॉलिसी है कि 20% रिजर्व रखती है कंपनी, तो कंपनी ने 40,000 रुपए रिजर्व रख लिया, बाकी बच गए 1,60,000। अब ये 1,60,000 कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो डिविडेंड किस प्रकार देगी, तो देखिए 5,000 एक प्रेफरेंस शेयर है और 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी हो गई 5,00,000। तो 5,00,000 का 9%, ये जो 9% है ये रेट ऑफ डिविडेंड होती है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो 5,00,000 का 9% हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि 45,000। ये जो 45,000 है ये डिविडेंड किसको मिल जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो बाकी पेमेंट कितना बच गया, बाकी जो पेमेंट बच गया वो है 1,15,000। ये जो 1,15,000 का पेमेंट बच गया ये किसको मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्योंकि इस पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। अब 10,000 है और 10 रुपीज ईच का है, तो ये कितने हो जाएंगे, 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1,00,000, तो 1,00,000 रुपीज की शेयर कैपिटल हो गई। तो यहां पे आप डिविडेंड देखेंगे तो रेट ऑफ डिविडेंड यहां पे ज्यादा है और इस पे फिक्स नहीं है, इस पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती, जबकि प्रेफरेंस शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है। वोटिंग राइट की अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर को केवल लिमिटेड जो मामले हैं उनमें वोट देने का राइट होता है, जबकि इक्विटी शेयर को कंपनी से जुड़े हर मामलों में वोटिंग पावर होती है।
डिविडेंड की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर को बाद में डिविडेंड मिलेगा, और इसी तरह अगर लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल की बात आए तो लिक्विडेशन के टाइम जो कैपिटल है वो पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगी और प्रेफरेंस शेयर के बाद में इक्विटी शेयर को रीपेमेंट की जाती है। अब बात करें कि भाई टाइप्स कितने होते हैं, तो आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं, रिडीमेबल भी होता है, नॉन रिडीमेबल भी होता है, पार्टिसिपेटिंग होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है, लेकिन इसे हम फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको, क्योंकि जनरली अकाउंटिंग में जो इस पेपर में क्वेश्चन आता है वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए हम कभी भी इसको एक अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके, और कैपिटल जो है वो कितने टाइप्स की होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इश्यूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, और वैसे भी क्वेश्चन के बीच बीच में हम निश्चित रूप से इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि एक जो क्वेश्चन है वो किस रूप में आपको गिवन होता है, किस तरीके से आप उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। वैसे आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हम रिविज़न कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम ले लेते हैं कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ABC लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। At a premium of 20% per share. Rupees 4 on application. Rupees 5 including premium on allotment. Rupees 5 including premium on allotment. Rupees 1 on first call. And balance on second call. तो देखिए यहाँ पे कंपनी कह रही है कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है, ABC लिमिटेड issued 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है, 20% प्रीमियम है, तो 10 रुपीज़ का 20% आप प्रीमियम कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाता है 2 रुपीज़। एक शेयर है कितने का, 10 का, 2 रुपीज़ प्रीमियम, इसका मतलब आपने इशू कितने में किया, 12 में, ये आपका इशूड प्राइस हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, 10 रुपीज़ का शेयर कंपनी 10 में इशू करती है, 50 रुपए का शेयर कंपनी 50 में इशू करती है, 100 रुपए का शेयर 100 में इशू करती है, तो इसे हम कहते हैं इश्यूड एट पार। क्या कहते हैं, इश्यूड एट पार, यानी कि जितने रुपए का शेयर है, जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उसके बराबर अगर इशू कर रहे हैं तो उसे इश्यूड एट पार कहेंगे। 10 रुपीज़ का शेयर कंपनी कितने में इशू कर रही है, 10 में, 50 का 50 में, 100 का 100 में, तो ये क्या कहलाएगा, इश्यूड एट पार। इसी तरह इश्यूड एट प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू, यानी कि 10 का 12 में, 100 का 120 में, और 50 का 55 में या 60 में, या इसे हम 120 और मोर, कोई जरूरी नहीं है कम में,
110 और मोर भी कर सकते हैं, यानी कि फेस वैल्यू, अगर इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ये इश्यूड प्राइस, तो यहाँ 10 वाला 12 रुपये में इशू किया, इसका मतलब प्रीमियम कितना है, 2 रुपये यहाँ पे प्रीमियम होगा। इसी तरह 100 वाला 110 में है तो यहाँ पे 10 रुपीज़ आपका प्रीमियम होगा, 50 वाला 55 में है तो यहाँ पे 5 रुपये और 10 रुपये प्रीमियम होगा अगर 50 और 60 में इशू करते हैं तो इस तरीके से हम प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। कब? अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा में शेयर इशू किया जा रहा है तो उसे हम प्रीमियम बोलेंगे। यहाँ पे 10 रुपीज़ का शेयर है और हम इशू कितने में कर रहे हैं, 12 में, इसका मतलब 2 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम है। इश्यूड एट पार मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू, इक्वल टू फेस वैल्यू। ये आपकी फेस वैल्यू और ये इश्यूड प्राइस। थर्ड नंबर पे आ जाता है डिस्काउंट, इश्यूड एट डिस्काउंट। ₹100 का शेयर ₹90 में दे दिया, 55 का शेयर, 50 रुपीज का शेयर आपने 48 में दे दिया, या 10 रुपीज़ का शेयर आपने 9 में दे दिया, 20 रुपीज़ का शेयर आपने 19 में दे दिया, तो ये क्या है, ये आपको डिस्काउंट में कहलाएगा, इश्यूड एट डिस्काउंट। बिलो फेस वैल्यू, अब यहाँ पे ये फेस वैल्यू है, ये इश्यूड प्राइस है और ये डिस्काउंट आ जाता है आपका 10 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 1 रुपये। तो यहाँ पे जितना कम में दिया, यहाँ 100 में से आप इसको लेस कर दीजिए तो डिस्काउंट आ जाता है, ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो तीनों में से किसी भी तरीके से शेयर को इशू करने के 3 तरीके हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो ये एट पार है, ये एट प्रीमियम है और वो एट डिस्काउंट है। तीनों में से किसी भी तरीके से हम शेयर को इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो इशू कर रही है वो 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में इशू कर रही है, मतलब प्रीमियम पर इशू कर रही है। अब ये शेयर होल्डर राम हु होल्ड 500 शेयर could not pay 1st call and 2nd call. Pass journal entries. टू द एबीसी लिमिटेड। तो देखिए एबीसी लिमिटेड की बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी है। एक शेयर होल्डर था राम, उसके पास 500 शेयर थे, वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं कर सका। अब आपको क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी की जर्नल एंट्री करनी है। तो यहां पे हम क्वेश्चन को एक बार बना लेते हैं, क्वेश्चन को और छोटे रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10,000 शेयर कंपनी के पास है और कंपनी ने किस रुपए में मांगे, तो यहाँ पे देखिए एक शेयर 10 रुपए का था, 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किया, मतलब 12 रुपए मांगे। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे, 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए,
फर्स्ट कॉल पे एक रुपया और बाकी जो बचे वो सेकंड कॉल पे। यहाँ पे बोल रहा है बैलेंस ऑन सेकंड कॉल, यानी कि जो बच गया वो बैलेंस सेकंड कॉल पे आप पे कर देना। यानी कि हमने 4 रुपये तो मांगे, यहाँ पे 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम कितना था 3 रुपये तो कैपिटल थी, 2 रुपये प्रीमियम था। प्रीमियम आपको 20% दिया हुआ है, 10 रुपये का 20% कितना होता है 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ प्रीमियम है कहाँ पे अलॉटमेंट में, तो ये हमने प्रीमियम अलग कर लिया है। टोटल 5 रुपये मांगे, 3 रुपये कैपिटल, 2 रुपये प्रीमियम, हो गए 5। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, केवल 1 रुपया, तो टोटल देखिए आप 10 ही रुपये हो रहे हैं, 4, 3, 7, 7 और 1 8 रुपये, 8 रुपये कैपिटल के, 2 रुपये प्रीमियम के, 10 रुपये हो गए। बाकी जो बचे वो 2 रुपये हमने कब मांगे सेकंड कॉल पे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि एप्लीकेशन कितनी आई, इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन जितनी शेयर थे उसके बराबर आई है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो तो हमेशा आपको यही मानना है जितने आपके पास शेयर हैं उतनी ही एप्लीकेशन आपके पास आई है या उतने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। तो यहाँ पे 10,000 शेयर के लिए हमने इनवाइट की थी एप्लीकेशन और 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ये एप्लीकेशन रिसीव्ड है, अब एक शेयर होल्डर है राम, एक शेयर होल्डर है राम जिसके पास कितने शेयर है 500 शेयर है, जिसके पास शेयर कितने हैं 500 शेयर है, कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे सका। तो यहाँ पे जितने शेयर हैं आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली 500 शेयर पर और सेकंड कॉल भी नहीं मिली 500 शेयर पर। तो 500 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही नहीं मिली। अब अगर इसकी एंट्री की जाए तो किस तरीके से की जाएगी, क्वेश्चन यहीं तक दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो पेमेंट रिसीव हुआ, सबसे पहले जो पेमेंट रिसीव हुआ है ये देखिए, शेयर मैं बता दूं आपको, आप डायरेक्ट कंपनी के पास जाके नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी का मेन हेड ऑफिस है मुंबई और आपको 5 शेयर खरीदने हैं तो आप मुंबई जाके थोड़ी खरीदेंगे। तो कंपनी की जो शेयर एप्लीकेशन है वो आप बैंक के थ्रू या ऑनलाइन आजकल होता है तो ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। जब भी शेयर इशू होंगे तो आपके पास ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इनकी, अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो वहाँ पे निश्चित रूप से इनकी इन्फॉर्मेशन आएगी। जो IPOs वगैरह होते हैं वो सबसे पहले वहीं पे निकलते हैं। अब आप शेयर लेंगे कैसे, तो देखिए जब भी कंपनी अगर आप शेयर के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो किस तरीके से होगी, जो एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको या तो डिजिटल मिलेगा या फिर आप बैंक में जाके ले सकते हैं, बैंक वगैरह के थ्रू अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उस कंडीशन में कंपनी आपसे नाम पता आपका, आपकी जो जो जॉब प्रोफाइल है, इनकम वगैरह है वो सब जानेगी, आपसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका एड्रेस, किस तारीख को आप शेयर लेना चाहते हैं, कितने शेयर लेना चाहते हैं और कितने रुपए का एक शेयर है, इस तरीके से सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देनी होगी। उसी समय अगर आप 200 शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन रुपीज़ अगर 4 रुपीज़ मांगी गई है और आप 200 शेयर परचेज करना चाहते हैं, आप परचेज करना चाहते हैं 200 शेयर और एक शेयर पे एप्लीकेशन आपसे कितनी मांगी गई 4 रुपये, तो इसका मतलब 800 रुपये आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराने होंगे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 1,000 शेयर चाहता है तो 1,000 शेयर के लिए 4 रुपये की रेट से 4,000 रुपीज़ उसको सबमिट कराने होंगे एप्लीकेशन के साथ। तो ये प्रोसीजर होगा। अब कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है या नहीं ये पूरी तरह से कंपनी की इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी शेयर अलॉट करती है तो निश्चित रूप से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, कंपनी का जो शेयर होल्डर रजिस्टर होगा उसमें आपका नाम एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको शेयर कंपनी अलॉट नहीं करती है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके पास फिर से मैसेज आ जाएगा और आपके जो पैसे हैं जो आपने एप्लीकेशन के साथ जमा किए थे वो कुछ दिनों के बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर होगा, आप पैसा बैंक अकाउंट, कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे और जो कंपनी है वो भी अगर रिफंड करेगी तो आपके बैंक अकाउंट में ही आपको रिफंड करेगी। जो भी ट्रांजेक्शन का होता है वो सारा बैंक के थ्रू ही होगा। तो देखिए कंपनी, सबसे पहला प्रोसीजर तो ये हुआ कि आपने अप्लाई किया, यानी कि शेयर होल्डर ने अप्लाई किया शेयर लेने के लिए और कहाँ पे पैसे जमा कराए बैंक अकाउंट में। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में जब पैसे जाएंगे तो कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है यहाँ पे, तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब कितने रुपए आ रहे हैं, तो देखिए हमारे पास 10,000 एप्लीकेशन आई थी, तो 10,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज़। एप्लीकेशन पे आपने कितने रुपए मांगे, तो देखिए एप्लीकेशन पे हमने 4 रुपए मांगे थे, तो 4 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पैसा हमारे पास आया होगा 40,000। ये नरेशन हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन आई है सारी की सारी कितनी आई थी, 10,000, और शेयर कितने, एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 4 रुपये पर शेयर, तो 4 रुपीज़ पर शेयर की रेट से 10,000 एप्लीकेशन शेयर की आई और हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 40,000। अब इसके बदले में कंपनी क्या करेगी, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद कंपनी शेयर इशू करेगी। जब शेयर कैपिटल ट्रांसफर करेगी तो एंट्री क्या करेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उनको कैपिटल ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब यहाँ पे 10,000 शेयर्स एप्लीकेशन थी हमारे पास 4 रुपए की रेट से, और शेयर भी हमारे पास कितने हैं, 10,000। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास शेयर भी कितने हैं, 10,000 शेयर हैं, हमने 10,000 शेयर दे दी और एक के बदले कितने की कैपिटल दे दी, 4 रुपए की, तो 40,000 हमारे पास रुपए आए थे और हमने उनके बदले में 40,000 रुपीज़ की कैपिटल उनको ट्रांसफ़र कर दी। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल ट्रांसफर, जब आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी कैपिटल को, जब भी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जब कंपनी के पास पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, तभी कंपनी ये आपसे अलॉटमेंट, नेक्स्ट कॉल कंपनी मांग सकती है। एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट कॉल होगी उसे हम अलॉटमेंट कहते हैं, फर्स्ट कॉल को हम एप्लीकेशन कहेंगे, कंपनी ने जो फर्स्ट टाइम पैसा मांगा एप्लीकेशन के साथ उसे हम एप्लीकेशन कहेंगे, सेकेंड टाइम जो कंपनी पैसा मांगेगी उसे हम अलॉटमेंट कहेंगे, थर्ड टाइम फर्स्ट कॉल और नेक्स्ट सेकेंड कॉल। फर्स्ट टाइम जो पैसा मांग रहे हैं एप्लीकेशन, सेकेंड टाइम अलॉटमेंट, थर्ड टाइम फर्स्ट कॉल और नेक्स्ट टाइम सेकेंड कॉल। जनरली इस ये 4 ही कॉल आपके बुक में आपको गिवन होगी, और इससे कम हो सकती है, इससे कम तो जनरली, इससे ज़्यादा तो नहीं दी जाएगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो सकता है, बाकी एक्चुअल में इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब नेक्स्ट कॉल कंपनी जब भी मांगेगी तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट के साथ देखिए कंपनी ने प्रीमियम भी मांगा है, तो जब प्रीमियम हो कैपिटल के साथ, जब भी आप कैपिटल के साथ प्रीमियम हो तो कैपिटल के आगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पे देखिए आप कैपिटल के साथ प्रीमियम भी मांगा गया है, तो नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू या अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट हमने कितना मांगा है, तो सबसे पहले कैपिटल देखिए, हमने 10,000 शेयर से 3 रुपए कैपिटल मांगी है पर शेयर, तो 10,000 शेयर ₹3 पर शेयर ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 30,000 कैपिटल हो जाती है जो आपकी ड्यू हुई है। और 10,000 शेयर पे अगर हम प्रीमियम देखें तो ₹2 पर शेयर प्रीमियम है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ₹20 सिक्योरिटी प्रीमियम आपने ड्यू किया है, इस तरीके से टोटल पेमेंट हो जाता है 50,000। तो आपने जो अलॉटमेंट कॉल किया है वो है 50,000, यानी कि जो भी शेयर होल्डर हैं जिनको आपने पहले शेयर इशू किए थे, ये वाले, ये जो 10,000 शेयर आपने इशू किए थे उन्हीं से हम पैसा मांग रहे हैं, और कितने रुपये मांग रहे हैं, उनसे हम अलॉटमेंट के मांग रहे हैं ₹5 पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे 5 रुपए। अब जिस शेयर होल्डर के पास 200 शेयर है वो 5 रुपए की रेट से आपको कितने रुपए देगा, 1,000। और अगर किसी शेयर होल्डर के पास 600 शेयर है
और हमने उससे 5 रुपये अलॉटमेंट मांगा तो वो कितने देगा? 3000। किसी के पास 400 शेयर है, 5 रुपये की रेट से कितने दे देगा? 2000। और अगर किसी के पास शेयर नहीं है तो वो नहीं देगा, किसी के पास शेयर नहीं है तो वो नहीं देगा। लेकिन अगर शेयर होल्डर है तो निश्चित रूप से उसके पास कुछ ना कुछ शेयर होंगे। अगर शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर बना कैसे? वो शेयर परचेज किए तभी शेयर होल्डर बना, तो निश्चित रूप से उसके पास शेयर होंगे। अगर किसी के पास 30 शेयर है तो वो 5 रुपये अलॉटमेंट की रेट से पर शेयर 150 रुपीज देगा। तो सबसे पैसा मिल गया, किसी ने भी, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर होता जिसने पेमेंट नहीं किया है तो निश्चित रूप से यहाँ पे कहा हुआ होता। लेकिन कुछ नहीं का क्वेश्चन में, इसका मतलब सबका पैसा आ गया। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल कितने रुपए? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 10,000 शेयर्स थे और एक शेयर पे हमने 5 रुपये मांगे, सारे पे आए, तो इसका मतलब हमारे पास पूरे 50,000 आ गए। नरेशन में आप लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है तो यहाँ पे भी आप अलॉटमेंट लिखिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो 50 हमने मांगा था, पूरा 50 रुपीज़ आ गया। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देते हैं हम। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के साथ अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम भी आता, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ देखिए आप कोई प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम नहीं है तो हम कैपिटल के साथ प्रीमियम नहीं लिखेंगे। अगर प्रीमियम होता तो कैपिटल के नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है इसलिए कैपिटल के साथ हमने प्रीमियम नहीं लगाया। तो हमारे पास 10,000 शेयर है और हमने पर शेयर 1 रुपीज़ कॉल किया है, तो इस तरीके से हमें 10,000 कितने रुपए कॉल किया है हमने, 1 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ हमें मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए ए शेयर होल्डर राम हु होल्ड 500 शेयर कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। राम एक शेयर होल्डर था, उसके पास 500 शेयर थे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। इसका नाम है राम। तो देखिए राम के पास 500 शेयर है, अलॉट इसने फर्स्ट कॉल के सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। और शेयर कितने हैं? 500। तो 500 शेयर है, एक शेयर पे 1 रुपया नहीं दिया, मतलब 500 शेयर पे 500 रुपये नहीं दिए, तो 500 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। जो पैसा नहीं मिला उसे आप कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहां पे आपने कॉल मांगी 10,000, अब कॉल सीन एरियर कितना है? 500, यानी कि ये पैसा आपको मिला ही नहीं। कॉल सीन एरियर का मतलब है शेयर होल्डर ने आपको पेमेंट नहीं किया, कितने रुपए नहीं किया? 500 रुपीज। 500 शेयर थे, एक शेयर पे 1 रुपया नहीं दिया, मतलब 500 शेयर पे 500 रुपये नहीं दिए। अब बाकी पैसा मिल गया, इसका मतलब 10,000 आपने मांगा, 500 नहीं मिला, तो बाकी कितना मिल गया? 9,500 रुपीज़ आपको मिल गए फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल आपने रिसीव कर ली। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड कॉल पे। अब सेकंड कॉल हम देख लेते हैं। तो सेकंड कॉल की एंट्री हम कहाँ कर दें, इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो ये यहाँ से हम इरेज कर देते हैं इसको। सेकंड कॉल की एंट्री हम यहीं पे कर देते हैं,
इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम अगर होता तो यहां पे लिख देते टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए कुछ नहीं कहा तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे और यहां पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। या बी अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल हम देख लेते हैं हमने कितना मांगा, तो देखिए 10,000 हमारे पास शेयर है और एक शेयर से हमने कितने रुपए मांगे हैं, सेकंड कॉल पे 2 रुपीज़ हमने कॉल किया है पर शेयर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाता है 20,000 रुपीज़। तो 20,000 आपने सेकंड कॉल पर अमाउंट ड्यू किया है, इतना आपने कॉल किया है, यानी कि आपने इतना रुपया शेयर होल्डर से मांगा है। अब जब शेयर होल्डर ने पे किया तो फिर से वही राम के पास कितने शेयर थे, 500 शेयर थे और इस बार एक शेयर पे 2 रुपए हमने मांगे, तो राम ने कितने रुपए नहीं दिए, 1,000। राम ने कितने रुपए आपको नहीं दिए, 1,000। 500 शेयर है, एक शेयर पे 2 रुपीज़, इसका मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल हो गया 1,000। तो 1,000 रुपीज़ राम ने आपको नहीं दिया। जो पैसा नहीं मिला उसे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। शेयर होल्डर ने जो अमाउंट ड्यू होने पर भी, कॉल ड्यू होने पर भी शेयर होल्डर ने जो अमाउंट कंपनी को पे नहीं किया वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है। तो हमने इसे कॉल्स इन एरियर में डेबिट किया, कितने रुपए नहीं दिए, राम के पास 500 शेयर थे, एक शेयर पे 2 रुपए मांगे तो टोटल हो गए 1,000, इतना पैसा राम ने नहीं दिया। तो बैंक में कितना मिला, 90,000। तो देखिए 20,000 मांगा था, 1,000 नहीं मिला, 19,000 बैंक में डेबिट हो गया होगा, तो इसे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अमाउंट आ जाएगा पूरा 20,000। तो ये फर्स्ट कॉल, देखिए 2 एंट्री हमने की, किसकी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल की। कई बार एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है और ज़्यादा आ जाती है, जैसे मान लीजिए यहीं पे 60,000 की एप्लीकेशन आ जाती, यहाँ पे एप्लीकेशन 15,000 आ जाती, अगर 15,000 आ जाती और 4 रुपये की रेट से हमारे पास कितना पैसा आ जाता, अगर 15,000 एप्लीकेशन आ जाती तो हमारे पास 60,000 रुपीज़ आ जाते। और ऐसे केस में मान लीजिए हम रिटर्न करते तो रिटर्न की एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाती है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर बाय चांस एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए और कंपनी रिटर्न कर दे उनको, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं तो कंपनी जिन शेयर होल्डर का पैसा आया था उन्हीं को हम वापस दे देते हैं। तो वापस देते हैं तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, जब आपने पैसा रिसीव किया कंपनी ने तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन जब हम रिफंड कर देंगे उनको तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे रिफंड करते समय। जब ये सब हो गया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा जो इस क्वेश्चन में मैंने नहीं कही। अगर मान लीजिए बाई चांस शेयर को फोरफिटेड किया जाए, भाई सजा की दी क्या दी जाए, अब इसको हमने मांगा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मिल गया हमें, फिर हमने शेयर होल्डर से मांगी फर्स्ट कॉल, शेयर होल्डर ने दी क्या, नहीं दी, हमने मांगी सेकंड कॉल, शेयर होल्डर ने दी क्या, नहीं दी, अब क्या करें। तो ऐसे शेयर होल्डर का नाम शेयर होल्डर रजिस्टर में से कैंसिल कर दिया जाता है और उसने जो भी पेमेंट कंपनी को किया है वो सारा कंपनी फोरफिट कर लेती है, यानी कि वो नॉन रिफंडेबल होता है, शेयर होल्डर को वापस नहीं दिया जाएगा। और जो कंपनी ने शेयर होल्डर को इशू किए थे वो उससे वापस ले लेते हैं, अब उसका किया किया जाए, वो शेयर हम दूसरे को इशू कर देंगे, वो शेयर हम रीइशू कर देंगे, कंपनी उसका क्या करेगी, कुछ नहीं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जनरली मोटरसाइकिल जो हम लोन पे उठाते हैं, लोन पे हमने मोटरसाइकिल परचेज कर ली और अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं की,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो भी है वो हमने पे नहीं की तो क्या होगा। तो जिस कंपनी या फाइनेंस कंपनी वाले, जिस कंपनी से हमने फाइनेंस पे गाड़ी उठाई होगी या परचेज की होगी, वो क्या करेंगे, वो एक दो बार आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा नहीं हुई है, आप इंस्टॉलमेंट जमा कराइए। अगर हम उसके बाद भी अगर इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करते तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। बस सेम वही ट्रीटमेंट होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं कि अगर शेयर होल्डर कॉल ड्यू होने के बाद भी कंपनी को पेमेंट नहीं करता है तो उस शेयर होल्डर को हम नोटिस देते हैं, एक दो नोटिस देते हैं, उसके बाद कहते हैं उसको कि टाइमली आप पेमेंट कीजिए। अगर वो फिर भी पेमेंट नहीं करता तो उसके शेयर कंपनी फोरफीचर कर लेती है और इस शेयर को कंपनी चाहे तो रीइशू कर सकती है। तो यहाँ पर हम फोरफीचर करने की एंट्री समझ लेते हैं। अगर कंपनी फोरफीचर करती है तो जितनी कैपिटल हमने दी है या कितनी हमने ड्यू की है उन सबको हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। जब शेयर वापस ले लेंगे, यहाँ पे हम शेयर होल्डर से शेयर वापस ले रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अब जो जो पेमेंट नहीं किया उसने वो सब क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट टू कॉल्स इन एरियर। टू शेयर फोरफिटेड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी। यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 500 शेयर थे राम के पास और राम ने अलॉटमेंट पे, हमने एप्लीकेशन पे मांगे थे ₹4, 3+2 मांगे अलॉटमेंट पे, फिर ₹1 मांगा फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे मांगा हमने ₹1 फर्स्ट कॉल पे, सेकंड रुपीस ₹2 हमने मांगा सेकंड कॉल पे। 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन थी, ये राम था, इसने पेमेंट नहीं किया, शेयर हो गए फोरफीचर, ये पोजीशन थी। तो देखिए कैपिटल को देखिए आप, आपने कैपिटल, ये जो अमाउंट है ये कैपिटल है, जितनी कैपिटल मांग ली आपने, एप्लीकेशन मांग लिया, सेकंड अलॉटमेंट मांग लिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी मांग ली, तो जितनी कैपिटल आपने मांग ली उन सबसे डेबिट करेंगे। तो ₹10 हमने कैपिटल मांगी है, कैपिटल में कैपिटल ही लिखेंगे, प्रीमियम को नहीं लिखेंगे, तो प्रीमियम नहीं लिखा है हमने, कैपिटल में कैपिटल लिखी है और कैपिटल भी उतनी ही जितनी हमने ड्यू की है, जितनी हमने ड्यू की है यानी कि जितनी हमने मांग ली। अगर ₹2 अलॉटमेंट नहीं मांगा होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल चारों मांगे हैं, तो चारों की कैपिटल हमने लिए, 4, 3, 1, 2 टोटल होगी ₹10, तो ₹10 से डेबिट करेंगे तो टोटल कैपिटल डेबिट होगी 5,000 से। प्रीमियम अगर पे हो गया है तो नहीं लिखते, प्रीमियम विल नॉट बी डेबिटेड इफ रिसीव्ड, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उसे डेबिट मत करना। तो यहां पे देखिए कॉल सिनेरियर कितनी है, कॉल सिनेरियर हमारे पास 500 × 1 ₹500 यहां पे बाकी थे, 500 × 2 ₹1,000 यहां पे बाकी थे, तो टोटल कॉल सिनेरियर कितना था 1500, तो ₹1500 हम कॉल सिनेरियर में लिख देंगे, बाकी जो पेमेंट बचा शेयर फोरफिटेड में आ जाएगा 3500। तो अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करे तो कंपनी चाहे तो उसके शेयर फोरफिटेड कर सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन में फोरफिटेड करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से शेयर को फोरफिटेड कर सकते हैं, लेकिन जब करना, जब क्वेश्चन में कहा गया हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में इस शेयर फोरफिटेड को या इस एंट्री को करने की ज़रूरत आपको नहीं है। थैंक यू गाइज, जल्दी फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ और एक नए सॉल्यूशन के साथ।